नमस्कार, अपन निज में स्वागत है। गृह मंत्रालय सार्वजनिक यातायात बंद नहीं कर चेतावनी दैत हो यातायात मजदूर व्यवसायी चक्का जाम के कार्यक्रम आयोजना कलक है। ट्रैफिक प्रहरी वृद्धि केने जरिमाना फिर्ता कर के मांग करते आय के लिए चक्का जाम के घोषणा कैल गया है। गृह मंगल दिन सार्वजनिक सवारी बंद कलक त कार्रवाई कर के चेतावनी सहित विज्ञप्ति निकालने छल। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रीय महासंघ सहित के विभिन्न यातायात व्यवसायी आ संघ आ मजदूर संगठन सब संयुक्त विज्ञप्ति जारी करे बृहस्पति दिन के चक्का जाम के पूर्व निर्धारित कार्यक्रम फिरता नहीं हाथ जनौने छल। बस अनुसार भाड़ा के सार्वजनिक सवारी साधन के पूर्ण रूप में बंद कैल गेल। निजी सवारी साधन सब संचालन में रहल। निजी सवारी साधन के आवागमन में कोनो अवरोध नहीं करब संगठन सब जनौने अछि। चक्का जाम भिनसर 5 बजे से साँझ के 5 बजे धरि चलत। यातायात व्यवसायी राष्ट्रीय महासंघक महासचिव सरोज सिटौला बताने छथ। व्यवसायी आ मजदूर राजमार्ग के शांति तथा बंद मुक्त क्षेत्र घोषणा करे के मांग केने में अई बेर वो सब अपने बंद में उतर लागल। ऐसे भाड़ा के सार्वजनिक सवारी प्रयोगकर्ता नागरिक सब समस्या में पड़ल। ट्रैफिक प्रहरी नियम नहीं माने वाला विरुद्ध जेठ 1 गते से न्यूनतम 500 से लगकर अधिकतम 1500 धर के जरिमाना लगा सकते नियम लागू केने छल। जरिमाना बढ़ला के बाद वही के विरोध में चक्का जाम के घोषणा कैल गेल। देश के प्रमुख प्रशासकीय भवन सिंह दरबार के पूर्वी देवाल पर ललका रंग छिटे वाला काज में संलग्न 2 गोटे के प्रहरी पकड़ाव कलक। महानगरीय प्रहरी वृत्त सिंह दरबार में राखल गेल सबके 3 दिन में थप कलक। पकड़ाव करे वाला में अपना के राजनीतिक अभियंता बताबे वाला ईशान अधिकारी आ पत्रकार से हो रहा शेख नारायण झा रहा। सोम के रात 10:30 बजे सिंह दरबार के देवाल पर रंग कोत के भाग के प्रयास करित काल सबके पकड़ने अच्छे। घटनास्थल से 1 मोटरसाइकिल से प्रहरी नियंत्रण में लेने अच्छे। महानगरीय प्रहरी वृत्त सिंह दरबार में DSP प्रजित केसी के अनुसार वो सब 2 दिन में दोसर बेर पकड़ाव पड़ल। पहल बेर रवि दिन साँझ में 8:30 बजे दिस वो सब रंग पतने छल। वही समय में प्रहरी दुनू गोटे के आब से एहन काज नहीं कर के शर्त में 2 घंटा के बाद छोड़ने छल। वो सब अपना सब संगे अन्य 4-5 गोटे पत्रकार सब से हो अन्य छल। DSP केसी करण घटना में संलग्न देखल गेल दुनू गोटे के हम सब पकड़ल पत्रकार के किछु नहीं केनौ। प्रहरी हिरासत में रहल शेख नारायण आ ईशान प्रहरी हिरासत में रहल दुनू दोसर बेर सोम के रात ईशान आ शेख नारायण सहित संतोष ओझा नाम के व्यक्ति से पकड़ाव पड़ल। रंग पोतव वाला काज में ईशान आ शेख नारायण संलग्न रहल प्रहरी के दावी है। संतोष के निक दूरे बैस के फोटो खींच रहा छल। बाद में बयान लेला के बाद संतोष अपना के सगरमाथा टेलीविजन के पत्रकार रहल बताने आई छ। प्रहरी खोजी केला के बाद ओकर कहब सत्य देखल गेला के बाद छोड़ल गेल DSP के कहब है। शेख नारायण से हो अपने पत्रकार रहल आ ओहिठाम फोटो खींच मात्रे आयल प्रहरी के बयान देने आई छ। शेख नारायण के सेहो पत्रकार रहल आधार में हाजिरी जवानी में छोड़ के प्रहरी तैयारी कर रहा है। नेपाल पत्रकार महासंघ के ललितपुर शाखा पत्रकार के फोटो खींच के क्रम में प्रहरी पकड़ाव के लिए विज्ञप्ति निकालने अच्छे। विज्ञप्ति में शेख नारायण के तुरंत रिहा कर के मांग कैल गेल। शाखा के अध्यक्ष लेखनाथ नौपाने निकाल रहा समय बोध साप्ताहिक पत्रिका में शेख नारायण काज करते नेपाने शेख नारायण मोटरसाइकिल में सिंह दरबार के रास्ता भर जा रहा समय रंग कोत रहा देखला के बाद फोटो खींच चाहला के बाद पकड़ाव पड़ल दावी कैने अच्छे। वो विशुद्ध पत्रकार है रंग पोता वाला काज में संलग्न नहीं है नेपाने कहले नहीं। घटना में संलग्न प्रमुख व्यक्ति ईशान रंग पोतने स्वीकार के लेना है। वो संसार के आगू सिंह दरबार के अपराध देखाव लेल लाल रंग पोतने बयान देने आई है। DSP केसी के अनुसार किस आंदोलनकारी सब अपने हाथ चक्कू से काट कर सिंह दरबार गेट में खून से पोत के योजना बनौने सूचना प्रहरी लग आयल छल। बाद सिंह दरबार गेट आगू निगरानी बढ़ौने वो बतौलन मुदा बाल्टीन में रंग लगा आयल व्यक्ति के शंका नहीं कैल गेल केसी कहलन। प्रहरी हिरासत में रहल स्वतंत्र मधेश गठबंधन के 20 गोटे में से अधिकांश कार्यकर्ता के स्वास्थ्य अवस्था नाजुक बने जा रहा है। बुद्ध जयंती के दिन लुमनी से पकड़ाव पड़ल 31 गोटे में से 20 गोटे के हिरासत में रखल गया है। हिरासत में रखल गया सब आमरण अनशन में बैसल है। हिरासत में रखल गया सबके गैर मधेशी युवा सब द्वारा पीटपाट कराओल गया। प्रहरी हिरासत में रहल इरफान शेख बताने आई अनशन में रहल शेख सहित के बुद्धिन गैर मधेशी थुनवा सब पीटपाट कला के बाद उनका सहित चंद्रशेखर सोनार से अचेत भेल छल। शेख आ सोनार के इलाज के लिए अस्पताल भर्ना कराओल गया है। अस्पताल में शेख प्रहरी हिरासत में प्रहरी आ गैर मधेशी युवा सब पीटपाट केने बतौलन। वो प्रहरी सब जान मारा के धमकी बेर बेर देने आ गैर मधेशी युवा सब के पीटा उकसौने से बतौलन। एम्हर मंगल दिन 4 गोटे कार्यकर्ता सब प्रहरी हिरासत में बेहोश भेल छल। उनका सबके इलाज कर अस्पताल भर्ना कराओल गेल छल। इलाज के बाद 3 गोटे के थुना में तीनों गोटे के थुना में पहुँचाओल गया छल। रिहा कैल गया 11 गोटे में से अधिकांश के सेहो पीटपाट कैल गया वो सब बताने आई।
प्रहरी हिरासत भीतर में अत्यधिक यातना देने छल एम्हर स्वतंत्र मधेश गठबंधन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में सेहो उजरी देने अहिना का स्थानीय मानवाधिकार कर्मी सब देने जानकारी अनुसार हिरासत में रहल कार्यकर्ता के अवस्था बिगड़ गेल प्रति कोनो निकाय चिंतित नहीं रहल बताने ओसब तत्काल अनशन तोड़ाब आग्रह कलक। आंदोलनरत मधेशी मोर्चा के घटक संघीय समाजवादी फोरम नेपालक अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सरकार अपना सबके वार्ता के लिए औपचारिक रूप में नहीं बजौने दावी कने अपन पार्टी रूपंदेही के भैरवा में आयोजना केने पत्रकार सम्मेलन में बजे तो वार्ता के लिए टेंडर आह्वान ककरो आब या ककरो सर्वदलीय बैसार में आब कहत बजा कर सरकार अपन गैर जिम्मेवारी उजागर केने बतौलन। वो सरकार संग मोर्चा 36 बेर वार्ता केने हुई तो सरकार लचक नहीं देखल गया समस्या जहने के तहने रहल सेहो बतौलन। सफल वार्ता के लिए सरकार के मोर्चा संग विगत में केने सहमति के कारण संविधान पुनर्लेखन के प्रतिबद्धता आ पकड़ाव कैल गेल मोर्चा के कार्यकर्ता के रिहाई करे पड़त ताई में विश्वस्त बनाब सक पड़त कहलन। अपने सत्ता में रहल समय स्थानीय निकाय के निर्वाचन क स्थानीय निकाय कब्जा करे के मनस्थिति सरकार में सहभागी मुख्य दल के देखल गेल कहत वो कहलन देश के आरो धराप में फरक पड़त बतौलन। देश संघीयता में गला से आब के निर्वाचन प्रादेशिक समस्या अनुसार हो पड़त से हो बतौलत। रोहतड़ के चंद्रनिगापुर में एक 7 वर्षीय बालिका के बलात्कार के आरोप में प्रहरी एक व्यक्ति के पकड़ाव कलक। प्रहरी 54 वर्षीय कपिल देव शाह के प्रहरी नियंत्रण में लेलक। घर में अभिभावक नहीं रहल मौका देखत बलात्कार केने कहत इलाका प्रहरी कार्यालय चंद्रनिगापुर में उजरी देने छल। पीड़ित के अनुसार सोम के परिवार के सदस्य बागमती नदी में गिटी कूट गेल समय शाह बालिका के बिस्कुट आ चॉकलेट खा के लिए 70 रुपया दक फुसलब अपने घर में लगल छल। घर में पहुँचला के बाद शाह बलात्कार के पीड़ित बालिका प्रहरी के बतौलिए प्रारंभिक स्वास्थ्य परीक्षण से बालिका के बलात्कार भेल पुष्टि हुनका थप इलाजक लेल वीरगंज पठाओल गेल। पीड़ित के अभिभावक के आर्थिक अवस्था कमजोर रहला से इलाज के लिए महिला सुरक्षा दबाव समूह रोहतड़ 3000 सहयोग कलक। घटना के आरोपी शाह के प्रहरी जिला अदालत से मैद थप के अनुसंधान कर रहा चंद्रनिगापुर के DSP मनोज कुमार यादव जनतब देने। सत्तारूढ़ नेकपा माओवादी केन्द्र के नेता देव गुरुंग मधेशवादी दल तथा आदिवासी जनजाति सम्बद्ध दल सबके संघीय गठबंधन उठाने माग जायज रहल कहत सरकार के वार्ता मार्फत गठबंधन के माग समर्थन करे पड़त बतौलने। पार्टी के दिशा सरकार में सहभागी मंत्री सब गठबंधन के आंदोलन के औचित्य नहीं रहल बतबैत आबि रहल समय में माओवादी केन्द्रक नेता गुरुंग मुद्दा के हिसाब से गठबंधन उठाने माग जायज रहल बतौलन। रिपोर्टर्स क्लब बुध दिन काठमांडू में केने साक्षात्कार में नेता गुरुंग गठबंधन उठाने माग संबोधन के लिए सरकार तत्काल वार्ता के वातावरण बनाब पड़त कहत वार्ता से माग संबोधन कर सक के ठाम प्रशस्त रहल बताने। नेपाल के ट्रांजिट बनाकर ब्राजील हुई यूरोप में कोकिन तस्कर करैत आयल अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के सदस्य से पकड़ाव पड़ल। लागू असन नियंत्रण ब्यूरो 2 किलो 600 ग्राम कोकिन सहित नाइजेरियन वेनेजुएलियन भारतीय नेपाली नागरिक के पकड़ाव केने वीरो दिल बहादुर तमांग लगायत वेनेजुएला के यमरिस कामरीन भारत के तोहिद खान आ नाइजीरिया के मोहम्मद लामिनी के पकड़ाव कलक। स्रोत के अनुसार ओहि रैकेट में चीनिया नागरिक के सेहो समझता रहल खुजल ओहि समूह से प्रहरी 13 लाख रुपया से बेसी नगद सेहो बरामद कलक। वीरो के DIG जय बहादुर चंद के अनुसार यमरिस बैसाख 25 गते दुबई हुई काठमांडू जाकर ठमेल के गेस्ट हाउस में बैसल छल। वो जेठ 1 गते मांस मारा प्रयोग करे वाला डोरी में बंडल भीतर नुका कर अन्य कोकिन नाइजेरियन नागरिक मोहम्मद आ रानी बारी के दिल बहादुर के देने छली। प्रहरी के अनुसार उनका 1500 अमेरिकी डॉलर देव के साथ में वेनेजुएला के कैथरीन ओ कोकिन मार्फत नेपाल पठौने छली। भारत सहित यूरोपियन देश में कोकिन पहुँचाब भारतीय नागरिक तोहित 11 गते काठमांडू आयल छल। कोकिन तस्करी में पकड़ाव पड़ल दिल बहादुर चरेश तस्करी में कहल गेल नामी कारोबारी है। वो हांगकांग होते 120 बेर चरेस यूरोप पठौने बयान में स्वीकार केने यादव जनतब देने। अपन ही जखन के लिए लगते पल पल खबर तेज नजर देखते रहिए अपन TV। नमस्कार।